जिंदगी सवार दू, एक नई बहार दू, दुनिया ही बदल दू, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। आज तो बड़ा मजा आएगा स्कूल में, गेम्स पीरियड जो है, जल्दी जल्दी जाती हूँ। अरे कितना प्यारा डॉगी है, ये यहाँ पे कैसे घूम रहा है? क्यूटी पाई, तेरा नाम क्या है? हाँ, और तू यहाँ पर कर क्या रहे? तेरे मम्मी पापा कहाँ पर है? आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है कोई इसे छोड़कर चला गया। कैसे कैसे लोग होते हैं ना, जब पालना होता ही नहीं है तो इनको अपने पास रखते क्यों है? इनसे पहले अटैचमेंट बना लेंगे फिर इनको छोड़ देंगे। देखो भूख लगी है डॉगू, रुक जा मैं तेरे को ना अपना टिफिन देती हूँ। ये ले, ये भूखी लगी थी तेरे को। हाँ चलो, अब मैं ना स्कूल निकलती हूँ, लेट हो रहा है मुझे। एक अपने साथ नहीं ले जा सकती, मैं ना ले जाती हूँ। अगर तू यहीं रहा ना तो स्कूल से आते वक्त उससे जरूर मिलूंगी मैं, ठीक है? बाय। ओए, चल बाहर, चल कहाँ से आ गया, चल चल बाहर, चल। फाइनली मैम ने परमिशन दे दी वॉशरूम जाने की, बहुत तेज लगी थी। ओए, ये तो वही डॉगी है जो आज मुझे रास्ते में मिला था। पर तू यहाँ पे स्कूल में क्या कर रहा है? कहीं तू मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गया है ना? यार तू तो बहुत शैतान है, ऐसे क्यों आया? अब तेरे को मालूम भी नहीं है, अगर किसी को पता चल गया तो तेरे साथ क्या होगा? अब क्या करूं, एक काम करती हूँ, शीला और कोमल को बुला लेती हूँ क्लास से। हाँ चल, अच्छा चल। यार कहाँ रह गई ये दोनों, जब से बुला रही हूँ इनको, क्या करूँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। इसको ऐसे भी नहीं छोड़ सकती यार, और सर ने देख लिया तो बैंड बज जाएगी। कहाँ रह गई थी तुम दोनों, जब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें? भाई मेनका मैम की क्लास थी, क्यों बुला दिया बीच में? यार तू पागल वागल है क्या? तेरे को मेनका मैम की पढ़ी है, तेरे को ये नहीं दिख रहा? अरे वाह, ये शेर कहाँ से आया? पागल, ये कुत्ता है। हाँ तो कुत्ता है ये। ओ, ये कुत्ता है, ये स्कूल में क्या कर रहा है? ए भाई चुप रह तू, अब ये कुत्ता कहाँ से आया? यार ये ना मेरे घर के बाहर था, कोई इस बेचारे को छोड़ गया था, तो मैं जब स्कूल आ रही थी तो मेरे को मिला था, तो मैंने ना इसको खाने के लिए दे दिया था अपना टिफिन, और उसके बाद ये मेरे पीछे 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 आ गया। स्टोरी तो इमोशनल है, लेकिन एक बात बता, इसके बाल मेरे बालों से ज्यादा अच्छे है ना? यार तू पागल है क्या? यार ये सीरियस क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे मेरी ऐसी तैसी हो रखी है, मैं इतनी टेंशन में हूँ। तेरे को पता है आते हुए ना स्कूल में घुसाया था मेरे पीछे पीछे, और कॉरिडोर में घूम रहा था, वो शुक्र है किसी टीचर ने देखा नहीं, उन्हें पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो जाता। तेजस्वी मेरी बात सुन, इसमें इतनी चिंता करने वाली क्या बात है? इससे बदतर लड़के तो हमारी क्लास में और हमारे स्कूल में घूमते हैं। यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू अगर तेरे को कुछ अच्छा जवाब देना है तो दे, वरना मुंह बंद करके खड़ी रह। तेरे को पता है अगर सर को पता चल गया ना तो तू भी गई और ये कुत्ता भी गया। और अगर तूने मुझे टाइम से नहीं छोड़ा ना तो मेनका मैम मुझे जान से मार देंगी। तेरा तो हमेशा का है, तू चुप रह। तू ना फिंगर ऑन योर लिप, अब ऐसी खड़ी रह, कुछ मत बोलियो। यार तेरे को पता है अगर इसको स्कूल से बाहर भी छोड़ना होगा ना तो भी इतने बड़े बड़े कॉरिडोर है, वो पार करने पड़ेंगे, हर एक टीचर से बचाना पड़ेगा, और बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा उसका क्या करूंगी मैं?
एक काम करते हैं, मैं और ये सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बातों में फंसा लूंगी और तू इस कुत्ते को ले जाइए। नहीं यार, बाहर नहीं छोड़ सकती। बोल मैं क्या करूंगी। अभी तो बताया, मुंह बंद कर, तू ऐसे अच्छी लगती है। यार पर बाहर अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हाईवे या गाड़ी वाड़ी अगर इसको कुछ हो गया तो एक काम करना ना, तुम थोड़ी ज्यादा देर तक सिक्योरिटी गार्ड को बातों में लगाए रखना, मैं इसको मेरे घर छोड़ाऊंगी। मेरे घर तो 5 मिनट की दूरी पर ही ये पीछे है। यार घर जाएगी तो लंच ले आएगी। तू लाई है ना? हाँ। क्या लाई है? टिंडे। वो तो मैं फर्स्ट पीरियड में ही खा गई तेरे लंच में से। दुख हो रहा ना, अब रो बैठ के और मेरे को डिस्टर्ब मत कर। चलो चलते हैं। अबे वो सर आ रहे हैं। बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। सर वो हमको फीस भरनी थी। हाँ सर, फीस सबमिट करने जा रहे थे हम तीनों, वो भी इकट्ठे। हाँ हाँ सर, तीनों जा रहे थे तीनों। इसको भी फीस सबमिट करनी थी, इसको भी करनी थी और मुझे भी करनी थी, तो हम तीनों जा रहे थे फीस जमा करने। फीस जमा करवानी ना तो लंच टाइम में आया करो। चलते पीड़े मत आया करो, जाओ फीस जमा करो। अरे सर लंच पीरियड में कितना काम होता है, खाना खाना होता है, पानी भरना होता है, काम करना होता है और गेम भी तो खेलनी होती है, टाइम मिलता है। सर इसके मत सुनो, लंच पीरियड में मैम लंच कर रही थी तो कहाँ से जमा कर देती। और सर 15 मिनट में कुछ उखाड़ तो हम सकते नहीं है कि फीस भी जमा कर पाए, और फिर अगर लंच पीरियड के बाद खाना खाते तो मैम डांटती है, तो इसलिए लंच पीरियड में निकले हम अभी फीस जमा करवाने आ गए। जाओ। ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आई? सर को मालूम ही नहीं है, मुझे मिमिक्री करनी आती है, मैं बहुत अच्छी कुत्ते की आवाज निकालती हूँ, दिखाऊं? और सर मेरे को बिल्ली की आती है, मैं दिखाऊं? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। सर मैं बकरी की निकाल लेती हूँ। टैलेंट है सर हमारा, टैलेंट, बहुत टैलेंटेड है हम। मेरे बच्चों में तो बहुत टैलेंट है। चलो बच्चों जाओ, और हाँ लंच टाइम में फीस जमा करवाना, ठीक है? और हाँ तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ नहीं सर, स्कूल है, स्कूल का स्टेज है जहाँ पे हम परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ सर आपको इतना ही नहीं पता। हाँ सर स्कूल, स्कूल। अच्छा अच्छा जाओ इस टाइम पे जमा करवा देना। ओके सर। सर लंच कर लेना। अबे कैंटीन में जो भी खाना है ना उसके पैसे कंट्री कर लेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ पैसे नहीं लाया। अबे तू हमेशा ओए तेजस्वी, कोमल और शीला एक साथ। वो भी कुत्ते के साथ। तू भी बोल पड़ा आज। ओए चुप रहो, आज ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे, डॉग लेके आइए स्कूल में, सर के सामने इन्हें फंसाएंगे। ओए डॉग तो अलाउ भी नहीं है ना स्कूल में, अगर पीटीए सर को पता लग गया ना इसकी लेनी देनी कर देंगे। याद है हमें पहले पीरियड में कैसे पिटवाया था इन्होंने? बिल्कुल याद है यार। तो तुम टेंशन मत लो, मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को ना तुम लोग बातों में फंसा और इनका कुत्ता अलग करके कहीं कमरे में बंद कर देते हैं। सही कह रहा, बहुत अच्छा मौका है इससे बदला लेने का। चल 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 काम पे लग जा, काम पे लग जा। तुम जाओ ना बात करने, मैं कुत्ते को लेकर जाऊँगा ना कमरे में। चल ठीक है ना। तेजस्वी मैं क्या कह रहा हूँ कि यार चल जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाते। तो हमारे साथ तो कुछ बुरा हुआ भी नहीं, बुरा तो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम देखो। वो बात ठीक है यार, वो हम होमवर्क करना भूल गए थे, लेकिन हम एक ही क्लास के हैं ना तो दोबारा दोस्ती कर लेते हैं ना। हमें नहीं करनी तुमसे कोई भी दोस्ती। और दोस्ती तुम्हारे साथ निकलो, अपनी शक्ल देख कर आओ। ठीक है तुम्हें दोस्ती नहीं करनी तो मत करो, तुम्हारा ही नुकसान है। क्यों करेंगे तुमसे दोस्ती, शक्ल देखिए अपनी, निकले यहाँ से। आए बड़े नुकसान दिखाने वाले हैं, चल निकल। चल चल झाड़ू को लेके चल, चल चल। 2 मिनट झाड़ू कहाँ गया? ए बुड़बक, हमारा शेर। अरे हमारा कुत्ता पागल। वही तो, पर किसी को बताना नहीं है ना यार। अभी तो चुप करना, अभी तक तो बच्चे हुए थे, अगर अब नहीं बचे ना, अगर वो फंस गया तो हम भी फंसे, ये लगा ले। यार मेरे को नहीं फंसना, मुझे मम्मी बहुत डांटेगी। तू चुप कर जा, एक काम कर तू जाके उस साइड वाले क्लासरूम्स में चेक कर, और तू जाके ऊपर वाले में, मैं इस साइड वाले क्लासरूम्स में चेक करती हूँ। जाओ जाओ जल्दी ढूंढो।
यार, किसी भी क्लासरूम में नहीं है, मतलब किसी के हाथ तो नहीं आया अभी। सॉरी मैम, कहाँ गया वो? कहाँ गया यार ये डॉगी, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर भी नहीं है। तेजस्वी, तुम ढूंढ रही है क्या? क्या मतलब है तुम तीनों का? अपने कुत्ते को? तुम तीनों को मालूम था कि मेरा डॉगी यहाँ पर आ रखा है? बहुत अच्छे से। हाँ, तूने क्या सोचा कि इस स्कूल में किसी को पता नहीं चलेगा कि तेरे पास डॉगी है? हमारी निगाहों के बारे में तेरे को पता नहीं है, हमारी निगाहों से कुछ नहीं छुप सकता। याद नहीं है हमें फर्स्ट पीरियड में कैसे पिटवाया था इसने? नहीं नहीं गाइस, देखो वो मेरा डॉगी नहीं है, वो मुझे रोड पर मिला था। सच्ची में मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। देखो अगर तुमने उसे रखा है तो प्लीज छोड़ दो, उस बेजुबान की गलती है, उसके साथ कुछ गलत मत करो। कैसे स्टोरी बना रही है, इमोशनल स्टोरी? हम नहीं फंसने वाले तेरी इमोशनल स्टोरी में। हमें तेर से बदला लेना था, और तेर से बदला लेने का मतलब हमें कुत्ते से लेना था। कुत्ते से बदला नहीं लेना, इसी से लेना है। चल ठीक है ना, इससे ले लेंगे। यार मेरे करे की सजा उस बेजुबान को क्यों दे रहे हो? कहाँ पर है प्लीज बता दो। वो तू सोच। डॉगी के रोने की आवाज, मतलब मेरा डॉगी। हटो। अबे यार ये तो उसी रूम के पास जा रही है, चलो चल के देखते हैं ना। चला चल दिया। डॉगी, तुम तीनों को शर्म नहीं आई एक बेजुबान के साथ ऐसे करते हुए? अरे शुक्र कर तेरे को तेरा कुत्ता वापस मिल गया, नहीं तो हम इसे कभी वापस नहीं करने वाले थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है वो। तुम तीनों ऐसे नहीं मानोगे, तुम तीनों को अभी बताती हूँ। डॉगी हश हश। मिल गया, अब जल्दी से इसको निकालते बाहर, जल्दी चलो चलो चलो। ये तेजस्वी ना ज्यादा डराती है, अब इसकी शिकायत सर से करेंगे ना, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी। स्कूल में कुत्ता लेके आ गई, पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। हाँ भाई बात तो तू सही कह रहा है बिल्कुल, पता है कुत्ते ने मेरे यहाँ पे काटा, इसको हमने कमरे में बंद कर दिया। भाई यार तेजस्वी की ना कोई शिकायत तो जरूर करनी पड़ेगी। सर को ढूंढ जल्दी, सर नहीं मिले ना दिक्कत हो जाएगी। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। स्कूल में कुत्ता कहाँ से आ गया? सर बॉल फेंक दो, सर बॉल फेंक दो। ओह शिट बॉल, अब उनके पास गई। भाग, अबे क्या भाग, अबे क्या भाग, फंस गए। अबे ये तो हमारे साथ खेल रहा है यार। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है यार तू। यार इसको तो हम बेकार में गलत समझ रहे थे। ये तो बहुत अच्छा डॉगी है यार, हमने इसे गलती कमरे में बंद किया, ये तो बहुत अच्छा है यार। हमारे साथ खेल रहा है ये तो यार, ये तो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। और भाई तूने ताजा खबर सुनी क्या अपने स्कूल की? किसकी, भाभी वाली? अबे नहीं यार, फिर सीला वाली होगी। अरे नहीं, अबे मैंने बच्चों से सुना है अपने स्कूल में कुत्ता लेके आई है तेजस्वी। अब तो तेजस्वी फंसेगी बेटा। हाँ और पता है चिद्दी से भी मैंने सुना है कि वो ना तेजस्वी को फंसाएगा। भाई मजा आएगा, वो फंसेगी। अब फंसेगी। एक काम करते हैं, इसके साथ खेलते हैं। सारे के सारे बच्चे इधर आओ, कुत्ते के साथ क्या कर रहे हो? अरे आओ। वो लगता है भाई फंस गई। अब हम गए। मजा आएगा चल। अरे यार, करने देख लिया क्या? आ रहे सर, आ रहे हैं।
पे चल चल। अबे तू भी फंसी है, चल मेरे साथ, अकेले डांट नहीं खाऊंगी मैं। तुम दोनों शामिल थे मेरे साथ। मेरे को क्लास में जाना है। अब नहीं जा सकती तू। अरे सर ये कुत्ता किसका है मुझे जल्दी बताओ, जिसका भी कुत्ता निकला ना उसे मैं सस्पेंड कर दूंगा। सर ये मेरा डॉगी है। नहीं नहीं सर, ये कुत्ता इसका नहीं, मेरा है। नहीं नहीं ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये कुत्ता मेरा है सर। अरे तीनों झूठ बोल रहे हैं, कुत्ता मेरा है। सर ये कुत्ता हमारा है। सर थोड़ा सा मेरा भी है। सर ये हमारा है। नहीं नहीं सर ये मेरा है। चुप। सारे डिसाइड कर लो कि किसका कुत्ता है, नहीं तो सभी को ना रश टिकट कर दूंगा स्कूल से। सर प्लीज इस डॉगी को रहने दो, मैं जब घर जाऊंगी मैं इसको ले जाऊंगी। ये मेरे घर से मेरे पीछे पीछे कब आ गया मुझे मालूम ही नहीं चला। बात सुनो, बात तो तुम्हारी सारी ठीक है, पहले ये बता दो स्कूल में कुत्ता किसने अलाउड करा? हैं? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आ। अबे जल्दी आ। सर पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे होते हुए स्कूल में कुत्ता क्या कर रहा है? हाँ बाहर निकालो तुम। नहीं नहीं सर इस कुत्ते को बाहर मत निकालो सर, ये तो बेजुबान है ना, ये कुछ कह नहीं पाएगा। सर इसे यहीं पे रख लेते हैं ना सर। सर ये बहुत प्यारा कुत्ता है, हमने इसे कमरे में बंद कर दिया था और फिर भी हमारे साथ खेलने आ गया। सर अगर ये रोड पे जाएगा तो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई भी गाड़ी इसको मार के चली जाएगी। सर सर ऐसा मत करो, इसको यहीं पे रख लो सर। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इसको कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज सर प्लीज इसको रहने दो सर, बस आज की बात है, फिर जब मैं घर जाऊंगी मैं इसको ले जाऊंगी, प्लीज अगर इसको कुछ हो गया तो। सर सर वैसे तो बहुत डर लगता है डॉगी से, लेकिन ये बहुत अच्छा है। हाँ सर बाहर कोई इस कुत्ते को खाना भी नहीं देता होगा, और हम रख सकते हैं इस कुत्ते को। अरे नहीं सर इनकी बातों में कहाँ आ रहे हो, ये कुत्ते होते ही ऐसे हैं, ना घर पे रहने के लायक है ना स्कूल में, इनको तो सड़कों पे ही मरना चाहिए। ओए हट। सर आपके स्कूल में यही सिखाया जाता है क्या कि किसी बेजुबान की मदद करने की जगह उसको मारो? आप कैसा व्यवहार कर रहे हो इसके साथ, आप खुद को तो देखो एक बार, क्या ये डिजर्व करता है? अगर ये मेरे पीछे स्कूल में आ गया तो इसमें इसकी क्या गलती? आपके सामने ही सिक्योरिटी गार्ड ने इसको पत्थर मारा पर आपने कुछ भी नहीं करा, ये कौन सा व्यवहार होता है सर? इसमें इस बेजुबान की क्या गलती? इसको तो मालूम ही नहीं था कि ये एक स्कूल में बैठा है, और आप ये कह रहे हो कि स्कूल में कुत्ता नहीं आना चाहिए, इसमें इसकी क्या गलती? अगर इसको मालूम नहीं है तो ये तो बस वफादारी निभा रहा था। मैंने इसको घर के आगे दो रोटी क्या खिला दी, ये मेरे पीछे पीछे स्कूल तक आ गया, और अगर हम इसको इस वक्त स्कूल से बाहर निकाल देते हैं और भगवान न करे इसको कुछ हो गया, तो क्या सर आप अपने आप को माफ़ कर पाओगे? मैं तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, और यहाँ पे खड़ा हर एक जना अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। सर तेजस्वी बिल्कुल ठीक कह रही है। सर आप तो एक टीचर हो, अगर आप जानवरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो हम बच्चे क्या ही सीखेंगे? सर एक बार इसकी तरफ देखो तो सही, ये कितना प्यारा है, सुबह से है स्कूल में और इसने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना किसी को काटा ना कुछ, बल्कि प्यार से सिर्फ खेलने के लिए दौड़ रहा है सबकी तरफ ही, और आप इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। सर जानवरों को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ हमसे प्यार चाहिए होता है। हाँ जानवर काटते भले हैं, पर वो जब काटते जब हम उनको परेशान करें, वो बिना किसी वजह के किसी को नहीं काटते। और सर वायलेंस तो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता ना, और आप अपने स्कूल के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? जब भी कोई मुझसे स्कूल के बारे में पूछेगा मैं तो यही कहूंगी कि इस स्कूल से हमें कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, और अगर सर आपको ऐसा ही व्यवहार करना है इसके साथ, आपको ऐसे ही करना है, तो मैं इस स्कूल में नहीं रहूंगी, मैं ये स्कूल छोड़ना चाहती हूँ। सर तेजस्वी सही बोल रही है। हाँ सर हम भी स्कूल छोड़। हाँ सर मैं भी स्कूल छोड़ दूंगा। हम भी नहीं पढ़ेंगे स्कूल में। सर मेरे मम्मी पापा को पता चल गया ना तो वो तो वैसे ही निकाल देंगे। हम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, हम ये आज ही स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। हाँ सर जहाँ पे संस्कार ना हो उस स्कूल में हमारा फायदा नहीं है। चलो रुको रुको तेजवी, बच्चो तुम बात तो ठीक कह रहे हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अबे ओ मुझे एक बात बता, तुझे इस कुत्ते को पत्थर मारने की क्या जरूरत थी? हाँ मुझे तू स्कूल में नजर नहीं आना चाहिए, निकल यहाँ से भाग। सॉरी सर इधर स्कूल में देख मत जाइयो। सॉरी बच्चो तुमने मेरी आंखें खोल दी, और तुम कह रहे थे ना कि इस कुत्ते का कोई घर नहीं है, तो ये कुत्ता आज के बाद ना इस स्कूल में ही रहेगा, और इस स्कूल से अगर होगा ठीक है ना, और आज से इसका नाम जारविश होगा ठीक है। थैंक यू सर। जारविश, मेरा जारविश, हमारा जारविश। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर हमारी इतनी मदद करने के लिए। हाँ हाँ
चलो खेलते हैं यार इसके साथ। अरे नहीं नहीं बच्चों, मेरे को कुत्तों से डर लगता है, नहीं मैं नहीं खेल रहा, ठीक है? नहीं सर, अरे नहीं 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 बॉल पकड़ाओ सर को। अरे अरे अरे, 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 अरे